इस वीडियो में आपको KGF चैप्टर 2 से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस फिल्म में हर चीज का ख्याल रखा गया है। इसमें एक्शन, इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर और डायलॉग है। मुझे फिल्म इतनी पसंद है कि मैं सिर्फ ताली बजाना चाहता हूँ। और अगर आप इसे थिएटर में सुनेंगे तो आपको एक अलग तरह का रोमांच मिलेगा। फिल्म में आपने आनंद इंगलागी की जगह कहानी सुनाने वाले किसी और को देखा है और कई लोगों ने सोचा कि उन्हें बदल दिया गया है, लेकिन नहीं, फिल्म देखने के बाद आपका संदेह दूर हो जाएगा। और KGF 1 में गरोरा को मारने के बाद रॉकी कैसे KGF का सुल्तान बन जाता है और उसे कैसे मैनेज करता है और कैसे सबको लीडर के तौर पर साथ लेकर चलता है और कैसे वहाँ के लोग रॉकी को भगवान मानते हैं, उन बातों को इस फिल्म में दिखाया गया है। और अधीरा का वाइकिंग वाला लुक, जिसे आप कॉपी समझ रहे हैं, इस फिल्म में ठीक से हैंडल किया गया है ताकि आपको कोई शक ना हो। और अधीरा भाई साहब संजय दत्त सर, इसे कहते हैं परफेक्ट विलेन, वह नायक से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और भगवान का शुक्र है कि इस फिल्म में खलनायक को भी सही समय दिया गया है और इस फिल्म में उन्होंने जो आवाज दी है वह एकदम लाजवाब है। फिल्म का समय केवल 2.45 मिनट है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि फिल्म कब खत्म हुई। रवीना टंडन की बात करें तो उनका रोल बहुत ही कम है। इंटरवल के अंत में भी उन्हें जितना समय मिला है उसे उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। रवीना टंडन ने प्राइम मिनिस्टर के रोल में अच्छा काम किया है। इस फिल्म में जितना प्यार है उतना ही एक्शन भी है। कुल मिलाकर फिल्म 2022 की सबसे बेहतरीन फिल्म रही। अगर नहीं देखी तो प्लीज देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।